राजस्थान और हरियाणा में पारा 37 डिग्री पार कर गया है। हरियाणा के सिरसा में अधिकतम तापमान 47.8 और राजस्थान के पिलानी में 47.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के सीनियर वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि राजस्थान में अगले 5 दिन रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावनाएं हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण पंजाब और हरियाणा के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यहां तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें बंगाल की खाड़ी में तो कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश के आसार हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में बुधवार को भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इन राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में 12 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। यूपी में मौसम की अजब गजब स्थिति बनी है। पूर्वी यूपी में जहां आंधी और बारिश का अलर्ट है, वहीं पश्चिमी यूपी के हाथरस, आगरा और मथुरा समेत 19 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी बार देश में आगरा सबसे गर्म शहरों की श्रेणी में रहने वाला है। मंगलवार को देश में आगरा चौथा सबसे गर्म शहर रहा। यह अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जो है भीषण गर्मी पड़ रही है। और जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, किस तरीके से दिल्ली के हालात हैं और क्या कुछ इस गर्मी से बचाव के हम उपाय कर सकते हैं, इसको लेकर डॉक्टर और रिपोर्टर डॉक्टर नरेश चावला और रिपोर्टर अजवान अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजवान, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है दिल्ली के, क्या कुछ हालात हैं? गर्मी ने जो आम जन की अस्त व्यस्त जो जीवन है वो कर दिया है और लोग जो है वो बेहद परेशान है। दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली समेत 6 राज्यों में जो रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, यानी हीट वेव अगले 5 दिनों तक रहेंगी। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर अगर शुरुआती दिनों में चरम से गर्मी पड़ती देखी जा रही है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। मौसम विभाग का भी साफ तौर से कहना है कि आने वाले जो दिन है 4 से 5 दिन वो बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। और बात कर ली जाए आम लोगों की, तो जो ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं उनको बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसी गर्मी हमने पिछले कुछ सालों में नहीं देखी है। तो महज यही देखना होगा कि आखिर जब आने वाला समय है 4 से 5 दिन में क्या तस्वीर साफ होती है और किस तरीके से बढ़ती हुई गर्मी को लेकर क्या इंतजाम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं कि ऐसी गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी का सेवन किया जाए और ज्यादा वर्कआउट ना किया जाए और जो हार्ट पेशेंट है उनको बाहर निकलने की हिदायत है, कम निकलने की हिदायत दी गई है। और जिस तरीके से अब देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होता है। महक अरहान, जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये बीमारियों को भी दावत देगी। किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की जो है तैयारियां हैं गर्मियों से बचाव के लिए, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है जिला अस्पताल में, किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? देखिए, बिल्कुल अस्पतालों की अगर बात कर ली जाए तो बढ़ती हुई गर्मी को लेकर अलग से कुछ डॉक्टरों की टीम लगाई गई है ताकि जो बढ़ती हुई गर्मी के प्रभाव वाले लोग हैं उनको इस तरीके से देखा जाएगा और क्या कुछ बचाव के जो इंतजाम हैं वो कुछ सब कुछ कर लिए गए हैं। लोगों को उनके बारे में बताया जा रहा है और देखना होगा कि जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि देखिए बुजुर्ग और छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा गर्मी से खतरा होता है। और दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली के अंदर और जगहों के मुकाबले यहाँ हमेशा से गर्मी ज्यादा रही है, लेकिन इस बार जो है वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। अभी हाल ही में हम बात करें तो 45 डिग्री से भी ऊपर का जो तापमान है वो पहुंच चुका है। तो दिल्ली के अस्पतालों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, दिल्ली सरकार की ओर से भी तमाम हिदायत जो है वो जारी कर दी गई है। तो मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया है, उसमें 6 राज्यों में दिल्ली भी शामिल है। महक
रान हमारे साथ जो है डॉक्टर नरेश चावला जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और कहीं ना कहीं ये बीमारियों को दावत देगी, किस तरीके से बचाव करें लू से अपना? देखिए महक, मैं आपके चैनल से पहले प्रोग्राम दे चुका हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गर्मी है, लेकिन ये एक एनुअल इवेंट, हर साल इसकी उम्मीद की जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो जवान लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं और बड़े बूढ़े हैं और जो बूढ़े जिनको जिनको बड़ी बीमारियां हैं, कोई कि हार्ट डिसीज है, कोई अनकंट्रोल्ड शुगर है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, कोई लंग डिसीज है या किडनी डिसीज है, इन लोगों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो इनको मैं 5-6 सलाह देता हूँ। एक तो वह है जो डायरेक्ट हीट की वजह से है, कोशिश कीजिए सुबह 9 बजे के बाद और शाम 4-5 बजे तक आप घर से बाहर ना निकले, और बाहर निकले भी तो हमेशा सिर को ढक के चलें, छाता लेके चलें और अंगूछा वगैरह ले सकते हैं, ये चीजें नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की तारीख में जो हम समझते हैं जो बचाव है वो हमें पानी से मिलता है। आपकी पानी की बोतल लेके चलें, कम से कम इस मौसम में एक एवरेज 60 साल का आदमी कम से कम 4 लीटर पानी पिएगा तो उसको काफी तकलीफों से बच जाएगा, क्योंकि हमें पसीना बहुत आता है और हीट के वजह से हमें हीट स्ट्रोक होने का डर रहता है। अगर आपकी टांगों में कोई क्रैम्प्स हैं, आपको कोई चक्कर आ रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, आपको कोई वॉमिटिंग फीलिंग्स हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप पानी चाहे प्लेन वाटर लें, चाहे नारियल पानी पीवें, चाहे नींबू पानी, चाहे दही की लस्सी, चाहे घर का बना हुआ मौसमी का जूस, ये चीज़ें लें, और जितना हो सके स्ट्रीट फूड या चलता फिरता जो अनहाइजेनिक पानी है या कोई गन्ने का जूस है, इन चीज़ों को अवॉइड करें। आपने सवाल पूछा है कि कौन सी बीमारियाँ, बीमारियाँ दो किस्म की हो सकती हैं, एक जो डायरेक्ट हीट से होती हैं, वो दूसरा इस मौसम में कीटाणु बहुत पनपता है, तो अनहाइजीनिक फूड। लोगों को आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, आदत पड़ी होती है कि हम गली से आइसक्रीम खाएंगे, स्ट्रीट फूड लेंगे, जंक फूड लेंगे, ये सब चीजें सिस्टम हमारे देश में जो कि फूड रेगुलेशंस थोड़ी कम हैं, तो पेट के इन्फेक्शंस होने का डर, कॉलरा होने का डर, शिगलोसिस होने का डर, टाइफाइड फीवर होने का डर, ये बहुत कॉमन है। वो जैसे ही गर्मियां आगे बढ़ेंगी तो जो दूसरी बीमारी है वो जो कीटाणु पनपते हैं, जो मच्छर पनपता है बरसातों के स्टार्ट होते ही, उससे एक न्यू सेट ऑफ बीमारियां जो चाहे चिकनगुनिया हो या मलेरिया हो या डेंगू फीवर हो, तो आने वाले समय में हमें इन चीज़ों के प्रति थोड़ा जागरूक भी रहना पड़ेगा, वो अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल नरेश जी, आपने जागरूकता की बात की, मैं अरान आपके पास आना चाहूंगी। अरान, जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है, किस तरह से जो है प्रशासन लू को लेकर, गर्मी को लेकर कोई जागरूकता अभियान चला रही है जिससे कि जो है जनता पहले से ही अलर्ट हो जाए और अपना खुद बचाव कर पाए? देखिए बिल्कुल, दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ती हुई गर्मी को लेकर जो बातें हैं वो कही गई हैं और आने वाले समय में कैसे उस पर बचा जा सकता है, उन चीजों को लेकर भी दिल्ली सरकार बारीकी से काम करेगी। और सवाल ये है कि आखिर जब इस तरह से शुरुआती दौर में गर्मी इस तरह से बढ़ रही है, तो आने वाले जो दिन है अगर यदि बारिश लेट होती है तो बड़ी समस्या हो सकती है। दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति बनी रहती है, पॉल्यूशन की वजह से भी ज्यादा यहाँ पर गर्मी देखने को मिलती है, और इस कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर एक गर्मी का ये भी है। और जब आने वाला समय होगा देखना होगा क्या कुछ इसमें हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली सरकार की तैयारी है वो लू से बचने के लिए पूरी कर ली गई है। महक, ठीक है नरेश जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, देखिए गर्मी तो एक तरफा है ही, जो होता है वो हो ही रहा है, लेकिन जो है गर्मी हो या सर्दी हो, रोजमर्रा के कामों के लिए हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, ऐसे में इतनी गर्मी में किस तरीके से हम घर से बाहर निकले, किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए? देखिए आपने बिल्कुल लाजमी बात की है कि जिन लोगों को जॉब पे जाना है वो जाएंगे जाएंगे, स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि आफ्टर ऑल जो वर्किंग चाहे लोग हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उनको बाहर निकलना ही पड़ता है। तो सबसे अच्छा सुझाव, कोशिश कीजिएगा 9-9:30 सुबह निकल जाइएगा और शाम को जब आइएगा तो 5:30-6 के बाद आप आते हैं तो आपको तकलीफ कम होती है। उसके अलावा पानी की बोतल लेके चलना, अपने सर को किसी स्कार्फ से या किसी कैप से या किसी हैट से
बचाना, आंखों को बचाने के लिए आंखों में, आंखों को भी धूप लगती है और धूल मिट्टी से आंखों में लाली आ जाती है, उसके लिए आप डार्क गॉगल्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंखों पे ताजे पानी के छींटे मार सकते हैं 2-3 बार। और सबसे जरूरी चीज जो मैं बोल चुका हूँ, पानी का इंटेक। जहां भी आप हों रास्ते में बोतल अपनी लेके चलिएगा, घर की जो आपका आरओ का पानी या फिल्टर वाटर है जो भी पानी है, ताकि आपको बाहरी पानी कम पीने पड़े जो कि काफ़ी अनहाइजीनिक हो सकते हैं। एज एन एवरेज हम समझते हैं कि एक 60 kg का एक आम आदमी को मिनिमम 4 लीटर पानी चाहिए होता है। तो सुबह से शाम तक अगर वो बाहर है तो मिनिमम उसको 1 या 2 लीटर की पानी की बोतल लेके जरूर चलें। अगर बाहर से भी आपको लेना पड़े तो आप बोटल्ड वाटर लीजिएगा, खुले पानी को जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा अगर वो अनहाइजीनिक है, आपको शक ऐसा हो सकता है। इसके अलावा लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कई लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, लिम्का कैंपा का, उसके अपने नुकसान हैं। इसलिए प्लेन वाटर और नेचुरल चीज़ें जितना लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, मेरा अगला सवाल अजवाइन से। अजवाइन जिस तरीके से गर्मी पड़ी रही है, और नरेश जी ने भी जो है तमाम तरह की चीजें बताई किस तरह से हम अपना गर्मी से बचाव कर लेते हैं, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है कि रोजमर्रा के कामों के लिए हमें निकलना ही पड़ेगा घर से बाहर, तो किस तरीके से रेलवे स्टेशन पे, किस तरीके से जो है बस स्टॉप पे जो है जो यात्री भीषण गर्मी में आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ पानी की व्यवस्था की गई, क्या कोई पंखे इन सब की व्यवस्था की गई है? देखिए बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। जिस तरीके से बढ़ती हुई गर्मी को लेकर जो दिल्ली सरकार के इंतजाम हैं, वो चाहे किसी बस स्टैंड हो या फिर किसी मेट्रो हो या फिर किसी रेलवे स्टेशन हो, वहां पर स्पेशली इंतजाम किए गए हैं उनको, तो यात्री को बैठने के लिए आने जाने की में उनको कोई समस्या ना हो उसके लिए, और खास तौर से ठंडा पानी, पंखा, उनके इंतजाम किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए आम लोगों को जो आवाजाही है वो पहले की गर्मी कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी कम रहे या ठंड कितनी भी बढ़ जाए, उनकी आवाजाही तो रहेगी, क्योंकि काम करने वाले जो लोग हैं वो ऑफिस में आते जाते हैं, और कुछ ऑफिसेज ऐसे भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दे रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि आपसे किस तरीके से अगर गर्मी बढ़ती है तो क्या कंपनी की हिदायत और आगे दी जाती है या नहीं। फिलहाल जो है वो दिल्ली सरकार हो या और जो स्थानीय प्रशासन हो, उन्होंने काफी कुछ गर्मी को रोकने के लिए, मतलब गर्मी से बचने के लिए, साइड इफेक्ट से बचने के लिए तमाम इंतजाम जो है वो कर लिए हैं। जी डॉक्टर नरेश जी, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जब गर्मी आती है तो डायरिया बहुत ज्यादा फैलता है, डायरिया से बचाव कैसे किया जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है। आजकल क्लिनिक्स में हम मैक्सिमम केसेस एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के देख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर आप बाहर निकले भी तो बाहर का खुला पानी और जो खुली स्ट्रीट फूड है, इसमें कोई चाट वगैरह, फास्ट फूड वगैरह चीज़ें हैं, इनको ज़रा कोशिश कीजिएगा या तो बहुत ही हाइजीनिकली लीजिएगा या अवॉइड कीजिएगा। इसके बावजूद भी आपने कहा डायरिया, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों में पर्टिकुलरली डायरियाज के और वोमिटिंग के केसेस बहुत देखे जा रहे हैं और बहुत तकलीफदायक हो जाते हैं छोटे बच्चों में, एकदम पानी की शॉर्टेज हो जाती है और ऑलमोस्ट ग्लूकोज टॉनिक की जरूरत पड़ जाती है। तो इन लोगों से मेरा आग्रह यही है कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखिएगा और पानी अपना हमेशा घर से लेके चलिएगा। आपको फिर भी डायरिया होता है तो आप अपने सबसे पहला इलाज होता है छोटी छोटी मात्रा पानी, चाहे ओएस का पानी, चाहे नारियल पानी, चाहे नींबू पानी, चाहे प्लेन वाटर लीजिएगा। और अगर फिर भी तकलीफ रहती है, आपके पेट में क्रैम्प्स आते हैं, आपको अनकंट्रोल्ड वाटरी मोशंस हो जाते हैं, तो अपने फिजिशियन में टच करके दवा लीजिएगा, बशर्ते आप अनडिजायरेबल केमिस्ट से एंटीबायोटिक या ऐसी गलत दवाइयाँ ना लीजिएगा। अरहान देखिए, जिस तरीके से मैंने डॉक्टर नरेश चावला जी से भी डायरिया को लेकर सवाल किया, सीधा सवाल मेरा आपसे भी है कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और डायरिया के केस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, पिछले साल की भी रिपोर्ट उठा ले तो हर दिन 100 से भी ज्यादा डायरिया के केसेस पाए गए, तो फिलहाल जिला अस्पताल के क्या कुछ हालात है, वहां क्या डायरिया के कोई केस देखने को मिले हैं, किस तरीके से सारी चीजें चल रही है? लेकिन बिल्कुल पिछले, अगर हम कुछ दिनों की बात करें, पिछले 2 से 3 दिनों में ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है, तो अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में
जो मरीज हैं वो डायरेक्ट डायरिया के भी देखने को मिल रहे हैं। पहले के मुकाबले ज्यादा केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर से हमने बातचीत की थी, उनका कहना था कि आम तौर पर इस तरह से इतने पेशेंट नहीं आते हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। और जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनका जो सांस है वो गर्मी से फूल जा रहा है जब वो घर से निकल रहे हैं। तो डॉक्टर की सख्त ये सलाह है, छोटे बच्चे और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको घर से ना निकलने दिया जाए। और तमाम हिदायत जो है वो डॉक्टर्स भी दे रहे हैं। जिस तरीके से बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, अब देखना यही होगा कि आखिर आने वाले दिनों में कब तक गर्मी से राहत मिलती है, और यदि बारिश टाइम से हो जाती है तो हो सकता है इस गर्मी से निजात मिल जाए। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 5 से 6 दिनों तक मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें तो एक हफ्ता ऐसा है जो भरी गर्मी से परेशान जो है लोगों को कर सकता है। महज नरेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि बड़े और बुजुर्ग लोग जो हैं वो तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, लू लग रही है, मैं परेशान हूँ, लेकिन छोटे बच्चे किस तरीके से कैसे बताएं, क्या करें? बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने कि छोटे बच्चे हैं, पर्टिकुलरली जो अंडर 1 ईयर्स हैं या जो अंडर 5 ईयर्स हैं, उनकी देखभाल बहुत ही जरूरी है। माँ बाप देखें उनको साथ लेके जाए, अगर स्कूल भी भेज रहे हैं तो पानी की बोतल को साथ लेके भेजा जाए, टीचर को स्ट्रिक्ट हिदायत दी जाए, बच्चा सफाई से पानी लेवे। और ये बच्चा पानी ये नहीं कि मांगेगा, वो इच्छा जाहिर भी कर सकता है, लेकिन हर थोड़ी देर बाद छोटी छोटी मात्रा पानी पीते रहना सबसे बड़ा इलाज है हमारे हिसाब से। जो पानी का हर जगहों पे, स्कूलों में, इवन रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पे, और अच्छे और जहाँ भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ हाइजीनिक पानी का इंतजाम जरूर होना चाहिए। और पर्टिकुलरली आपने सवाल पूछा कि बच्चे को के लिए क्या किया जाए, तो उनकी जरूरत को भांपना और उनको पहले से मदद देना ही उनका इलाज है। और बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ हाइजीन, जो हमने देखा है कि बहुत लोग स्वाद के चक्कर में इधर उधर की चीज़ें लेते हैं, कोई कंचे वाली बोतल है और कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो हमेशा हाइजीन देखिएगा, उसके बाद कोई चीज़ लेने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल। अरहान, अगला सवाल मेरा आपसे, किस तरीके से जो है, जैसे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी तक स्कूलों को लेकर क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, या स्कूलों को बंद किया गया है, या फिर उनके टाइमिंग में कोई बदलाव किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, एक बार बता दीजिए। देखिए बिल्कुल, अभी जो दिन पहले की हम बात करें तो दिल्ली के बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो नई एडवाइजरी है वो आनी बाकी है दिल्ली सरकार की ओर से। इस तरीके से फिलहाल अभी तक कोई खास चर्चा नहीं हुई है इस पर। जी जी जी, अभी इस पर जो फाइनल डिसीजन है वो दिल्ली सरकार का आना बाकी है। अभी छुट्टी आगे बढ़ सकती है और टाइमिंग को लेकर भी अभी जो दिल्ली सरकार का रुख है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब क्या कुछ आगे होता है ये देखना होगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल, नरेश जी जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, भीषण गर्मी है, आपने लिक्विड डाइट के बारे में बताया है, किस तरीके से जो है हम रोज खाने में बदलाव करें, खाने में ऐसी डाइट बढ़ाएं जिससे कि गर्मी से बचाव हो पाए, कोई सब्जी ऐसी हो या फिर कुछ और जिससे इन सब चीजों से हमें राहत मिले। महक, आपने बहुत ही अच्छा व्यवहारिक सवाल पूछा है। मैंने लिक्विड डाइट को नो डाउट एफिकेस किया है, गर्मियों में हमारी भूख थोड़ी मर जाती है, और उस खाने का बेस्ट ट्रिक ये होता है कि आप पानी की छोटी छोटी मात्रा पीजिएगा, अलावा जो भी रस वाले फल हैं, मौसमी, एप्पल, पपाया, खरबूज, ताजा कटा होना चाहिए, और सीजनल फ्रूट, आलू बुखारा, आड़ू, ये लेने की कोशिश करिए। और जहां तक आपका कौन से ऐसे खाने हैं जो आपको बचाएंगे, आई वुड एम्फेसाइज कि अपना एक पौष्टिक आहार जिसमें हरी सब्जी हो, दाल लिया जाए, ज्यादा ऑयली और फ्राइड चीजें और ली जाएं, कम ली जाएं, और उसके स्थान पे अगर आप नॉन वेजिटेरियन के स्थान पे भी शौकीन है तो आप रोस्टेड लीजिएगा। जितना आप बटर वाली चीजें लेंगे, बटर चिकन, क्रीम ऑफ टोमेटो, दाल मखनी, इन चीजों से थोड़ा सा पेट हैवी भी होता है। और कोशिश कीजिएगा अपने आप को थोड़ी वॉक प्रोवाइड कीजिएगा, आप जितनी मर्जी गर्मी होते रहिए, अगर आप एक बैलेंस फूड ले रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी बैलेंस काट रहे हैं तो आपको अननेसेसरी डरने की जरूरत नहीं है। ये गर्मी कोई पहली बार नहीं आई है, ये गर्मी हर साल आई है, टेम्परेचर 46, 47, 48 होना बड़ा कॉमन सा है। तो वी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज शुड बी यूज्ड टू इट, चाहे हर गर्मियां हों, चाहे बरसातें हों, चाहे ठंडे हों, इसके लिए हमें रफ एंड टफ बनना चाहिए, लेकिन हर काम को
बैलेंस तरीके से और सिस्टम के हिसाब से किया जाएगा तो आप तकलीफों से बच सकते हैं। नरेश जी, गर्मियों में जिस तरीके से बीमारियां बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी एलर्जी, कई सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं, हमारी स्किन केयर को लेकर हम किस तरह से अपनी स्किन की केयर करें, किस तरीके से तमाम तरह की एलर्जी हो जाती है, फेस पर लाल चकते पड़ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, इन सब से कैसे बचाव करें जो कहीं ना कहीं गर्मी के कारण ही होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, बच्चे और पर्टिकुलरली फीमेल्स जो कि थोड़ी अपने लुक्स कॉन्शियस भी होती हैं, वो जब भी घर से निकलें एक पैरासोल यानी कि छाता लेकर निकलें, डायरेक्ट हीट कम से कम पड़नी चाहिए, प्लस इसके लिए सन स्क्रीनिंग लोशंस हैं जो SPF 30 या 15 SPF के स्किन पर लगा सकते हैं, वो कम से कम दिन में 2 बार लगाना पड़ता है। प्लस आपने कहा जो रेडनेस आ जाती है उसका तो एक ही बचाव है, जितना हो सके आप कम से कम 9:30 से सुबह या 10 और 4 बजे तक टोटली घर के अंदर रहिए, और जहां हो सके आप छाया का सहारा लीजिएगा। यही पैसा है अपने कपड़ों में डार्क कलर्स, जो काला कलर या रेड कलर्स है वो अवॉइड करके आप व्हाइट कलर के क्लॉथ्स या ब्लू कलर के क्लॉथ्स या हरे रंग के कपड़े पहने तो इससे बचाव मिलता है। और इसके अलावा भी आपको खुजली प्रोसेस करती है, बच्चों को पित्त हो जाती है, उसके लिए आप दिन में 2-3 बार ताजे पानी से बात लीजिएगा, और प्लस अगर फिर भी तकलीफ रहती है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन के टच में या अपने चमड़ी विशेषज्ञ के संपर्क में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए नरेश जी और अरहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगी कि आप गर्मी में अपना बहुत ख्याल रखें, घर से बाहर निकलें तो हाथ में पानी की बोतल जरूर लेकर निकलें, ज्यादा से ज्यादा घर से कम बाहर निकलने की कोशिश करें। और आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर नरेश चावला ने जो है तमाम तरह के उपाय और तमाम तरह की बातें बताई हैं कि गर्मी से हम अपना इस तरीके से जो है बचाव कर सकते हैं, आप उन सभी चीजों को फॉलो करें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।